हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की। काफी स्टूडेंट्स का अपकमिंग टीसीएस असेसमेंट है, काफी स्टूडेंट्स का 14th फेब के अंदर टीसीएस का असेसमेंट है। सो जितने भी स्टूडेंट्स टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया है एंड आपका अपकमिंग असेसमेंट है, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर खुद बताने वाले हो कि वाह भैया ये क्या बना दिया, क्या शीट आपने बना दी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक शीट प्रोवाइड करने वाला हूं एंड 100% बोल रहा हूं, इस शीट के अंदर से आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका रीजनिंग एबिलिटी हो, चाहे वो आपका वर्बल एबिलिटी हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो। एक शीट बना दी गई है, इस शीट के अंदर 8 to 10 आर हमारे लगे है, मेरे एंड मेरी टीम के काफी ज्यादा मेहनत की गई है इस शीट को बनाने में। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक किए गए हैं जो ऑलरेडी टीसीएस के अंदर 2023 बैच के अंदर 2024 बैच के अंदर ऑलरेडी आ चुके क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस शीट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं एंड हर एक क्वेश्चन का वेरिएशन है। सो आप लोग को सिर्फ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हो सकता है वहां पे डिजिट्स चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाए, बट वेरिएशन इन्हीं क्वेश्चंस का रहने वाला है। सो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड एंड तक देख लेना। एंड एक और चीज देखो, आप लोग को फ्री में शीट प्रोवाइड करने वाला हूं, कोई भी 1 रुपए का चार्ज आप लोगों से नहीं लेने वाला हूँ। सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा, देखो इतना सारा एफर्ट्स लगता है, इतनी सारी मेहनत लगती है इस शीट को बनाने में, काफी मेहनत लगी है, सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट, ऐसा ही टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक हमारी कोडिंग वन शॉट नहीं देखी है, ये 1 आवर का वन शॉट होने वाला है एंड काफी ज्यादा अमेजिंग वन शॉट होने वाला है। अगर आप इस वन शॉट को देख लोगे सो कोडिंग का आपकी प्रिपरेशन एक साइड में हो जाएगी, आप इजीली इस वन शॉट को देख के कोडिंग क्रैक कर लोगे, ठीक है। एक कोडिंग क्वेश्चन आपका आने वाला है, एक कोडिंग क्वेश्चन आपका आने वाला है एंड उसका लेवल भी इजी लेवल रहने वाला है। सो इस वीडियो को जरूर देख लेना, हाईली रिकमेंड कर रहा हूं। ये वन शॉट देख लोगे सो कोडिंग की प्रिपरेशन डन। अब एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की बात करते हैं, आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं, इसको बाद में देखते हैं, अभी चलते हैं शीट की तरफ। गाइस अब हम देखने वाले हैं अपनी इंपॉर्टेंट शीट जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, टीसीएस स्मार्ट एंड इग्नाइट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सारे क्वेश्चन इस शीट के अंदर हमने पिकअप कर लिए है। सो आज की शीट, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, शीट कैसी लगी। अभी हम बात करने वाले हैं अपनी नंबर एंड लेटर सीरीज की, हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को 101% आपके टीसीएस एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। नंबर एंड लेटर सीरीज, इस पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, SCD, TEF, UGF एंड इससे नेक्स्ट आपको सीरीज बतानी है। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, आंसर भी मैंने बताया, बट पहले इसको खुद सोल्व करना फिर आंसर देखना कि क्या ये सही आंसर है या नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इन क्वेश्चंस को कर लोगे सो आपको ज्यादा हेल्प होने वाली है, काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अभी मैं शीट भी बताऊंगा कैसे आप लोग शीट डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सेम पैटर्न के क्वेश्चन होने वाले हैं, FAG, GAF, HAI, IAH। सो आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न देखना है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे FGHI अलग अलग पैटर्न है, A हर उसमें सेम है, फिर GFH। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, सो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, ऐसे आपको गैस करना है, ठीक है। ये नंबर एंड लेटर सीरीज के क्वेश्चंस है एंड 2 to 3 क्वेश्चन आप TCS एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पे आपको मिलने वाले हैं। सेम ऐसे ही हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर एंड लेटर सीरीज के काफी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन आपके 100% गारंटी है कि आ जाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी, मिसिंग टर्म, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको एक सीरीज मिल जाएगी 7, 14, 28, 49, 77। अब यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है, डिवाइड करके, मल्टीप्लीकेशन करके, मल्टीप्लाई करके एंड ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें आपको सिंपली गैस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रीड द इंस्ट्रक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको एक पैसेज मिल गया एंड उसके अंदर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, इस पैसेज से पढ़ के, ठीक है। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन आपको वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के अंदर मिलने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, आई एम,
डैश ऑफ द सेम रूटीन एवरी डे. सी इनोसेंट, आई एम इनोसेंट ऑफ द सेम रूटीन एवरी डे. सो आपको ये आंसर गैस करने हैं. मार्क द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड. ठीक है, अब सुपर शॉर्ट का इसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगा वो आपको यहाँ पे बताना है. कोडिंग एंड डिकोडिंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टीसीएस एग्जाम के अंदर, मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है बट थोड़ा सा वेरिएशन भी मिल सकता है, बट इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सिटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं. सो ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ये पूरी की पूरी शीट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाई गई है. अब कैसे मिलने वाली है, सो चलते हैं. अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का. ये आपको टॉप मेट पे आना है. यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पे सर्विस बेस्ड मॉक इंटरव्यूज के अंदर आपको आपके भैया की प्रोफाइल मिल जाएगी, अमन अग्रवाल. आपको यहाँ पे जाना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे बिल्कुल फ्रीली आपको शीट प्रोवाइड हो जाएगी. यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो टीसीएस स्मार्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चन. ठीक है, टीसीएस स्मार्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चन पे जाना है. यहाँ पे आपको जाना है, बिल्कुल फ्रीली आप लोग इस शीट को एक्सेस कर पाओगे. यहाँ पे ₹0, यहाँ पे एक्सेस पे जाना है एंड आप लोग इस शीट को ले लोगे. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेम और ईमेल आपको फिल करते ही. अब यहाँ पे ₹50 आ रहे हैं. काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया ₹50 आप लोग यहाँ पे ले रहे हो, बट यहाँ पे हम नहीं ले रहे. आपको गेट इंस्टेंट आंसर को यहाँ पे हटा देना है. अब आप देखोगे बिल्कुल फ्री कन्फर्मेंट पे ₹0 में आपके पास शीट आ जाएगी. तो गाइस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, अभी के अभी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो. सो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एप्टीट्यूड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100% गारंटी है ये आएंगे. ठीक है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर लेना, उसके बाद अपनी बात की प्रिपरेशन करनी है. न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, पाई चार्ट एंड ग्राफ चार्ट. सो ये कुछ टॉपिक्स हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने वाला है. नंबर सिस्टम के आपको 2 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे. वर्क एंड टाइम 1-2 क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स 2-3 क्वेश्चन. नंबर सीरीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर भी मैंने काफी क्वेश्चंस कराए हैं, तो उस शीट को जरूर कर लेना. उस शीट को सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रखनी है आप लोग को, उस शीट से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है उस शीट में, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ईमेल मिल जाएगी, आप ईमेल कर सकते हो. ठीक है, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो. नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं. पाई चार्ट एंड ग्राफ चार्ट स्कोरिंग है ये. ठीक है, स्कोरिंग है ये. अगर ये आता है, मोस्टली 99% चांस है कि आएगा, पाई चार्ट एंड ग्राफ चार्ट, वहां पे आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे. सो इसको बहुत ध्यान से करना, ये काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. ध्यान से करोगे तो स्कोरिंग है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रीजनिंग एबिलिटी टॉपिक. सो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल एबिलिटी का. अब मूव करते हैं अपने रीजनिंग एबिलिटी के. रीजनिंग एबिलिटी टॉपिक लेटर सीरीज मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, शीट में प्रोवाइड है. ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं. लेटर सीरीज के आप मान सकते हो 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस मैंने शीट के अंदर कराए हैं. ब्लड रिलेशन यहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिलोजिस्म, आइडेंटिफाइंग वर्ड. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. एंड अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत के तुरंत आप तक वीडियो पहुंच जाएगी. Now move to the verbal ability topics. So ये मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दे रहा हूँ, आप कितना भी प्रिपेयर कर लेना पहले से, बट रन टाइम पे आप वहाँ पे जितना आपको आता होगा, क्योंकि आपका टोटली इंग्लिश के बेसिस पे है. अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है सो आप इजिली वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स कर लोगे, वहाँ पे आप इजिली वर्बल एबिलिटी का सेक्शन अटैम्प्ट कर लोगे. सो यहाँ पे स्कोरिंग है हमारा रीडिंग पैसेज, अनसीन पैसेज, जैसे आपने 11th-12th के अंदर किया है. सो वैसे आपके रीडिंग पैसेज रहने वाला है. एक बहुत बड़ा आपको पैसेज मिल जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ के 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. एंड उस 4-5 क्वेश्चन को आपको उस पैसेज को समझ के फिर 4-5 क्वेश्चंस करना है. सो यहाँ पे 5-10 मिनट्स अपना पैसेज पढ़ने के अंदर लगानी है, क्योंकि उस पैसेज को पढ़ के आप 4-5 क्वेश्चन कर रहे होंगे. हो सकता है 2 पैसेज आ जाए, हो सकता है 1 पैसेज आ जाए. सेंटेंस ज्वाइनिंग ये मैंने करा दिया. एरर डिटेक्शन, वर्ड कंप्लीशन, ये सारे के सारे शीट के अंदर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बता दिए. सो जाके शीट डाउनलोड कर लो एंड अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. कोडिंग वन शॉट मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके देख लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है.
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।